सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो सीन है वो है कि घर पे कंटाला रहता हो, तो आज इस भाई के गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो दिखाने के लिए हम मीरा रोड जा रहे हैं। तो यार आज कॉलेज का छुट्टी है, बारिश बहुत हो रहा था, तो फटाफट से रेडी हुए और ये दोनों लोग को भी इसको बहुत टाइम लगता था आरोने में, तो भाई टाइम लगता है। हाँ तो चल पीछे बैठ बैठ बैठ। और एक वो आदमी हमारे साथ सब टोटल चार लोग हैं, अभी देखते हैं क्या मजा आने वाला है। और फटाफट से यार बस बारिश नहीं होनी चाहिए, ऐसा जैसा मौसम है अभी वैसे होना चाहिए ना। तो पानी तो हर जगह पर है, नाला सुपारा पूरा पानी भरा भाई, सब स्टेशन के बगल देखे आप भाई। थैंक यू। और ये आदित्य आना पीछे, सीट आगे लेना पड़ेगा। तो भाई अभी सब आ चुके हैं और ये उदित बोल इधर, ये हमारा चौथा मेंबर, सब रेडी हो चुके, अभी निकलते हैं यहाँ से फटाफट से, जाना बहुत दूर है भाई। जब भी कहीं पे घूमने निकले तो बहाना शुरू हो जाता है, कभी पैर में लग जाता था तो कभी सांप काट लेता था। तो आज फाइनली हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं इस ट्रिप में कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ ठीक ठाक उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए भाई। और बारिश खैर अभी तो नहीं हो रही है, फिलहाल मौसम सही है, दिखा पाऊ ऐसे रहेगा तो मजा आएगा। सो गाइस यार यहाँ पहुँचने के बाद एक्चुअली हम लोग मीरा रोड पहुँचने वाले थे, पर यहाँ उसके पहले ब्रिज जो पड़ता है ये वाला, इसके पहले इतना ट्रैफिक लगा दिया ना यहाँ पे कि हम लोग डेढ़ इसी ट्रैफिक पे अटके हुए यहाँ पे, क्योंकि ये रास्ता जो है वो ख़राब है, यहाँ पे एक एक लाइन करके छोड़ रहे हैं। तो देखो हमारा आप गाड़ी की सर्विसिंग देने का अपॉइंटमेंट जो था वो 12 बजे का था, पर अभी बज रहे 12:45। देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है भाई, अभी भी गाड़ी अटकी हुई वहाँ पे। पर मैं सोचा कि मैं पैदल जाके ऊपर से देखता हूँ क्या कितना टाइम लगने वाला है। और भाई आदिप और बाकी सब भी अंदर कार में लेके आते हैं। फ्लाई ओवर वैसे बाकी यहाँ का व्यू तो यार सच्ची में वो असम है, ये देखो ये व्यू तो पैसा वसूल है। और वो साइड देखो दिया क्या क्या हो गया इसमें, ये देख क्या हो गया, तू गाड़ी कर रहा है, तू गाड़ी खड़ा कर, तू गाड़ी खड़ा कर दे, हम सर्विसेज ट्रेन से जाते रिटर्न। इधर गेट एस्केप है ना, इधर गेट एस्केप यहां से टर्न लिया सीधा उधर। हां भाई यहाँ पहुँचने के बाद हमारे साथ एक सीन हो गया है, तुम बता क्या हुआ है। वो ही बता, गाड़ी लेके गए गैरेज पे, जो काम था एक्चुअली वायरिंग का काम था, तो वो देखा नहीं, दूसरा ही काम बता रहे, बोलते हैं तुम्हारी गाड़ी में 8-10 हज़ार तो ऐसे नॉर्मली चला जाएगा, और दूसरे दूसरे काम बता रहे। कौन कौन से काम काम बताए भाई, बाकी रेडिएटर के, रेडिएटर जो की कोई जरूरत नहीं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, इम्पोर्टेंट था हमारा पीछे का वायरिंग जो खराब था वो सही करना था। वो तो खोल के भी नहीं देगा भाई सर्विसिंग सेंटर में, भाई बोलते और ऊपर से बोलते तू ज़्यादा खर्चा करे, तो मतलब यार जो प्रॉब्लम वो सॉल्व करो ना, तुम दूसरी दूसरी प्रॉब्लम क्यों बता रहे हो। ये सीन होता है भाई सर्विस सेंटर में आने का, अभी तक सुना था क्या सर्विस सेंटर वाले भाई, तो याद देख लिया सर्विस ये लोग ना बहुत ही मतलब यार नॉर्मल गैरेज तो रुके क्यों है यार, अभी सर अभी सर्विस सेंटर से बाहर निकले और गाड़ी बनवाना नहीं है भाई, अभी देना ही नहीं है, दूसरी जगह कहीं पे सही करा लेंगे।
अभी बोले सर दर्द होने लगा यार। अरे देखो पीछे शर्म भी नहीं आ रहा लोग को, कुछ खाया नहीं, जो खाया था वो निकल गया। अभी लेफ्ट से बाहर निकलने का रास्ता जीपीएस लगाते हैं और यहाँ से फटाफट से निकलते यार, क्योंकि भूख बहुत जोर से लगा है। अपॉइंटमेंट था 12 बजे का, हमें एक घंटा ट्रैफिक में निकल गया और 2 बज गए। जल्दी जल्दी से निकलते यार यहाँ से। अरे मीरा रोड का हाईवे, चलो भाई। अच्छा हुआ कि बारिश बंद हो गई तो क्लीन दिख रहा एकदम। सीन हो रहा है खाली, सुबह से खाली सीन ही सीन हो रहा है। आदिप भाई ये हालात है हमारे कि भाई कोई ना, देखते अभी क्या होता है। और ये पीछे का व्यू की बात कर रहा था मैं, हादसा में ब्रो। ए चल बंद कर देने तो भाई, जहाँ ट्रैफिक लगा देगा इधर तो। चल ए चल खाली बैठ, भूख लगी है। तो भाई लगी हुई है भूख, ऑर्डर दे दिया। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। मुंबई से पूरा घूम करके जो काम के लिए गए थे वो भी हुआ नहीं, पर हाँ इसका तो कुछ करना पड़ेगा। तो और आज की जो पार्टी है वो भाई तो भाई खाके यहाँ पे हो गया। और ये और कुछ है वो देखो वहाँ पे गए भाई लोग ऑर्डर लेने के लिए। और ये हालत देख रहे हो भाई टेबल की, स्माइल जो आएगी थोड़ी देर में। इधर है ब्लैक वाटर, लेगा क्या ब्लैक वाटर? भाई 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 ये आदि फट भाई, बारिश भाई ये था आज का फाइनल व्लॉग। मजा आया क्या? मुझे छोड़ के ये लोग को तो आया भाई, मेरी तो हालत ना आउट ऑफ कंट्रोल। मेरे को ये सब उठा के लाया भाई, मैं रास्ते पर मैं सोते हुए आ रहा हूँ आधे रास्ते में। एक सेकंड बंद हुआ। हाँ तो ये था आज का व्लॉग और आई होप कि पसंद आया रहेगा। तो वीडियो में अगर अच्छा लगे तो भाई लाइक कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम बाय बाय।